हॉल टू से मैं निकल आया हूँ, अब मैं हॉल वन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि हॉल टू में तो ज़्यादातर वही फूड आइटम्स थे, मैंने आपको बताया स्वीट बेकर्स टाइप के, और वैसे अच्छी उन्होंने थोड़ी सी इजाफा डिस्प्ले जो है बड़ा अच्छा किया हुआ है, एम्बियंस बड़ा अच्छा बनाया, तो देखते हैं वन पे इंटर होते हैं तो क्या है ये वन का। अच्छा यहाँ सारे ईमानी हैं और मिल्लत फूड है, आशमी सुरमे वाले बैठे हुए हैं, मरहबा ईमानी की प्रोडक्ट्स। तो यहाँ भी कोई मुझे मिल गए थे हमारे बहुत अच्छे दोस्त इजार भाई। तो एनीवेज मैं क्या बता रहा था, ये देखें ये बैठे हुए टिश्यू कल्चर वाले, बायोटेक वाले, स्प्राउट्स बायोटेक वाले, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हिमानी का मैं बता रहा था, हिमानी के प्रोडक्ट्स भी हम, मैं तो या खैर मैंने यूज़ किए, मुझे पता नहीं कौन सी प्रोडक्ट थी जो मैंने यूज़ किए, हिमानी का शायद कोई बच्चों के लिए कोई आइटम था शायद। एनीवेज ये हाशमी सुरमे वाले बैठे हुए हैं, ये दानी ग्रुप वाले बैठे हुए हैं, ये फ्रेश एंड रोशन मेलको इंस्टेंट, ये क्या है पाउडर है, अच्छा वेजिटेबल फैट फिल्ड पाउडर, ओके फ्रेश एंड रोशन। यहाँ ज़्यादातर सारे वही जूस वाले, ये कुमेल वाले हैं बेसिकली। अच्छा मैं ढूंढ रहा हूँ ऑलिव वाले को, ऑलिव वाले किधर बैठे हैं, तो ये भी देखे ना फ्रूट जूस वाले हैं सारे। और यहाँ पे भी सारे फ्रूट्स वाले हैं। अच्छा अभी सेकेंड डे है तो ये सेल नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कुछ आइटम लेने थे लेकिन वो सेल नहीं कर रहे हैं अभी, कह रहे थर्ड डे में हम सेल करेंगे। ओहो वाइट चौसा पड़ा हुआ है, बेहतरीन। अभी असल में B2B चल रहा है ना, तो जो B2B है उस दौरान ये कोई भी B2C नहीं करते, तो थर्ड डे वो B2C होगा कंज्यूमर के लिए। अभी बिजनेस टू बिजनेस जो भी कॉरपोरेट आए हुए हैं कॉरपोरेट इंडस्ट्री से या कॉरपोरेट उनके क्लाइंट्स, वो यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं, कुछ फॉरनर्स भी नज़र आए हैं वो भी कर रहे हैं। तो एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और वो खज्जियाँ नज़र आ गई भाई, खैरपुर से इस दफ़ा मैंने खज्जियाँ भी ली है, मैंने वो वीडियोज़ नहीं बनाई वहाँ पर, तो वरना मैं दिखाता आपको, तो बस भागम भाग आया हूँ मैं, तो इसीलिए सईद गनी, ओ हो सईद गनी बैठे हुए यार, सईद गनी की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है बड़ी अच्छी होती है, खुशबू तो मुझे खैर इतनी अच्छी नहीं लगती इनकी, लेकिन ये ऑर्गेनिक फूड्स यार ये सही है कि हम ऑर्गेनिक नाम लगा दें और फिर अपनी दुकान चलाएं, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, सर्टिफिकेशन भी आपको लेनी पड़ती है ऑर्गेनिक की, सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऑर्गेनिक का नाम लिख दिया और आप ऑर्गेनिक हो गए, एज सच सही है। अब ये है कि हॉल थ्री की तरफ चलता हूँ, यहाँ तो अरे ड्रैगन फ्रूट वालों को तो मैंने पूछा भी नहीं, ड्रैगन फ्रूट वाले लास्ट ईयर आपको याद है, तो इनसे बात करते हैं, फिर हॉल थ्री की तरफ निकलता हूँ।